मेरी रोजी रोटी के चक्कर में दिल्ली में आया हूँ। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा धनुली देवी। अच्छा गांव का स्वागत के लिए पटाश पटाश। अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा गांव जाते हो? हाँ। गांव में कौन है आपके? अभी तो कोई नहीं है, अभी आ रखी हूँ, एक साल हो रखा है। पहले गांव में थे। तो आपको गांव अच्छा लगता है या अच्छा लगता है? अपना गांव अच्छा लगता है, याद आती है, गांव अच्छा लगता है, याद वगैरह आती है, और ये गांव की याद आती है बहुत ज्यादा। गाँव में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है, एक बहू है, बेटा यहाँ आ गए, लड़कियों की शादी कर दी, ससुराल चले गए। अधिकतर लोग उत्तराखंडी बाहर बस गए, अधिकतर लोग उत्तराखंडी बाहर बस गए, बाहर आ गए, है ना। जितने भी प्रोग्राम होते थे वो सारे उत्तराखंड के लोग मिल जाते हैं। ये मेरी लड़की है, ये मेरी लड़की है। अच्छा वो मेरे दामाद है। तो अभी आपके गांव में है कुछ लोग? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। हाँ नहीं तो पलायन हो गया सब, गाँव का गाँव खाली हो गया ना। ताली लगा कर आ रही हूँ। हाँ प्रधान है उत्तराखंड संगठन के, उनको आपको गाँव की याद नहीं आती? खाना नहीं बना सकती हूँ, चल नहीं सकती हूँ, क्या करती गाँव में, कौन देता मेरे को खाना? सही बात है। तब बहू के बेटे के साथ आना पड़ा। अब लड़की ला गई, दमाल ला गई, यहाँ उनके साथ आ गई। यहाँ चले जाऊंगी, कभी वहाँ चले जाऊंगी, कभी राजस्थान चले जाऊंगी, वहाँ है लड़की, इनके स्वागत और मेरे पति देव भी वही है। आपके तो बल्ले बल्ले सब जगह। लड़की ने कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? बहुत कुछ सुबह से खिला, आज दमाद की छुट्टी थी, सुबह से बना रहे हैं, खाओ खाओ खाओ। अरे बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल नजीक है, बोलो खा क्या रहे? गोलगप्पा ज्यादा मत खिलाओ, तबियत खराब हो जाएगी। गांव में भी खाते थे गोलगप्पा? हाँ गांव में भी खाते थे, फिर अब वहाँ उतना कहाँ होता है। तो पीछे ब्रास का जूस लगा हुआ, श्री प्रदीप पहलवान देख लिया, ब्रास का जूस लगा पीछे। अच्छा लड़की प्यार करती है कि नहीं करती? बहुत प्यार करते हैं मेरे लड़कियों भी, मेरे दामाद भी, मेरे लड़का भी, बहू भी, बहुत अच्छे हैं, मेरे पोते भी हैं दो। कहीं कैमरे के आगे तो नहीं बोल रहा? पोते भी हैं मेरे, एक नाती है, पोता है, नातिनी है। अच्छा अच्छा ये बताओ, झोड़ लगा दो जरा, एक झोड़ आता है ना, भूल गए ना, कैसी पहली बार बहुत, एक साल में भूल गए? अब बुढ़ापा है वो ना, बुढ़ापा है वो आप। अच्छा 65 साल की उम्र हो गई, आप कहाँ रहे? तो मेरे से 90 साल की होगी। चल एक झोड़ सुना दो। चल झोड़ आना ना है। पार भीड़े की बसंती छोरी। तो ये थी दीदी, और ये चकड़े दीदी है उत्तराखंड की, और अभी एक साल हो गए इनको गांव से आए हुए, और इनके दामाद भी साथ हैं, दामाद से बात करते हैं। बाजी क्या नाम है आपका? अजीत मिश्र। कहाँ से हो आप? दोराहाट चौकटिया का नहीं, चौकटिया से मासी चौकटिया। अच्छा एक बात बताओ, मानेरा साइड चौकटिया मासी के काफी लोग पलायन हो गए? वही है फिर गाँव में, मैं तो अभी भी रिटायर होकर गाँव में ही जाऊंगा, जा रहा हूँ सांस्कृतिक दिखाने के लिए, यहाँ रहेंगे नहीं चाहे इन कलाकार साथ हर दो महीने में। गाँव में कौन है आपके? कोई भी नहीं, जिन्होंने अपनी ताला लगा हुआ है, मदर फादर एक्सपायर हो गए, तो मैं फिर भी हर दो महीने में जाता हूँ। गाँव में है कुछ लोग? मैदान गाँव में है काफी, हमारे वहाँ तो सिंचाई वाला है ना सर, है काफी लोग। अच्छा पर सबके पेरेंट्स ही है, उत्साहित किया, सासु बिचारी तो खाती रहती, क्या होता है बोल रहे हैं, तो बाहर के कचर पचर क्यों खिला रहे हो? अरे बुजुर्ग लोगों का है, बच्चे और बुजुर्ग बोलते हैं ना, एक सवाल होता है तो भी बात खिलाओ उनको, जंगल वहाँ पहाड़ी मंडल आज कब खाती, आज आज बोले थे यहाँ सुगर मिलेगा तो ले जाएंगे, बोले थे सभी लोगों से यहाँ आना मिलेगा तो ले, बड़ा प्रोग्राम होता है जरूर मिलता है ना, बोले थे अगर यहाँ मिलेगा तो आ जाएंगे। अच्छा गीत वगैरह आते हैं आपको? हाँ कि नहीं, एक गीत सुना प्रोग्राम बनाता हूँ काम को उसमें आना, नहीं मैं तो छोड़ा भी बहुत गाता हूँ, मैं अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। ये जानना चाहते ना, हमारे प्रदेश में जितने भी उत्तराखंडी बसे हैं ना, उनको थोड़ा बड़े पहाड़ी गीत वगैरह आते कहीं भूल गए क्या? जानना अटल बिहारी गुलाबी आडवाणी जी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य को 272 तक बढ़ा 400 पार के लक्ष्य को
पूरा कराने में बहुत बड़ी उनकी पुत्री आपके बीच में चुनाव लड़े बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं और प्यारे बच्चों से भी कहूंगा कि वो नारे को जरूर लगाए। अब की बार ये भाजी ने बहुत अच्छा सॉन्ग सुना दिया, बहुत पुराने गीत सुना दिया। ये भी गोपाल बाबू गोस्वामी का है, गोपाल बाबू गोस्वामी मेरे भाई के थे। आपको कैसा लग रहा प्रोग्राम? पहली बार आ रहे हो? मैं किदवई नगर में आया था। फिर हमने बोला भाई यहीं पे नजदीक में है तो फिर इनको अभी किदवई नगर में प्रोग्राम हुआ था। मेहनत कर कर अच्छा वहाँ थे, अब वहाँ पे थे। अच्छा चलो अब एक बार दीदी को पूछ लेते हैं। दीदी ये बताओ आपको कैसा लग रहा प्रोग्राम? सबसे ज्यादा बहुत अच्छा, पहली बार देख रहे हो ये गांव में? बोलता नहीं पहली बार देख रहे हैं। पहली बार अरे कितने नगर में गए थे आप? वहाँ कुछ नहीं देखा, नहीं देखा गई नहीं, इधर उधर वहाँ होता भी नहीं है, ऐसा ज्यादा नहीं होता है कितने नगर में। अच्छा गई भी नहीं, इधर कोई ले गई नहीं, यहाँ तो मेरे दामाद की गाड़ी है उनका। चलो चलो दामाद बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत प्यार बहुत प्यार। दीदी क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपा। कहाँ से हो आप? हम तो उत्तराखंड के। उत्तराखंड कौन सी जगह? देघाट। देघाट मासी चकोटिया? क्या बात है, सारे लोग उधर एक के पीछे एक आ गए। देघाट मासी चकोटिया नहीं है? देघाट। अच्छा देघाट। हाँ अच्छा देघाट वाले भी काफी मिलते रहते हैं, है आपके गांव में? कुछ है नहीं, सब मेरी जिठानी है, जिठानी है खाली गांव में, और बच्चे लोग सब यही हैं, हम लोग यही रहते हैं। अच्छा हाँ जी, तो आपके लोगों ने काफी कब्जा कर दिया यहाँ? आप कहाँ गए? एक मिनी भारत। हम उधर ही गए, मैं यही तो कह रहा हूँ, एक के पीछे एक आ गया। अब तो खाली सुंगर बंदर हो गए गांव में, सुंगर बंदर। अच्छा अरे नेता वोट मांगने किसे जाएंगे? अब पता नहीं किसको देंगे, आप किसको देंगे? मेरा तो वोटिंग कार्ड भी नहीं है, गांव में था और किसी को वोट भी नहीं दिया, यहाँ बनाए नहीं। गाँव जाते रहते हो? हाँ गाँव जाते रहते, काम वाम होता है तो जाते। गाँव में कौन है आपके? जिठानी है, जिठानी रहते हैं। कुछ लोग हैं कि प्लान हो गए सब? नहीं नहीं है, तो आपको गांव अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, गांव जाती हूँ तो गांव भी अच्छा लगता है, यहाँ रहती हूँ तो यहाँ भी अच्छा लगता है। मुझे तो गांव बहुत बढ़िया लगता है। गांव में बच्चा अपने गांव ठहरा है, वहाँ तो देव धरती ठहरी है, देव धरती ठहरी, वहाँ तो स्वर्ग है गाँव तो ना। बिल्कुल। तो आप क्या करते हो यहाँ? मेरे पति जॉब करते हैं, बच्चे जॉब करते हैं। आप भी करते हो जॉब? करते थे, आप छोड़ गया, अब नहीं करते। अब नहीं करते। गीत वगैरह आते हैं आपको? गीत भी भूल गया? पहले छोड़े गाते थे गाँव में बहुत, हमारे गांव में तो बहुत रंगीला था, छोड़े गाते थे। अब तो यहाँ भी गा रहे हैं लोग? हाँ यहाँ गाते हैं, गुरु बनाए रहता है ना, तो छोड़े गाते हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन है आपके? ये पड़ोसी है? अच्छा पता नहीं कौन है, यहाँ बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोग्राम देखने आ गए हैं। आपको कैसा लग रहा प्रोग्राम? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो एक बार भंडारा रोड भी गई थी। अच्छा इसके साथ बिशन सिंह हरियाला गा रहे थे, कैसा लगा? अच्छा लग रहा था। अच्छा तो आप नाचे तो बोले? नहीं नहीं हमको नाचना हंसना नहीं आता है, नहीं आता। जब नाचते लोग तभी मजा आता है ना, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक दीदी तरफ बैठी है और दीदी को भी पूछ लेते हैं जब तक गाना स्टार्ट होता है। दीदी क्या नाम है आपका? यशोदा पटवार। कहाँ से हो आप? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी बिरसा के नौ गाँव नाम क्या? रामनगर में पड़े नाम, रामनगर। अच्छा दुकान में? धुमाकोट। धुमाकोट धुमाकोट, क्या बात है। नैने डाड़ा भी लोग? अरे ये बात है, तुम्हारे गाँव भी बहुत बड़ा है ना बेटा, गाँव जान चाचा ससुर रंजित। और कुछ लोग छे जिनकी सब प्लान हो गए? प्लान हो गए कुछ लोग छे जो गाँव को जो तुम्हारा प्रॉपरी हमारे कुछ यार दीदी के नाम बैठ जाए। दीदी क्या नाम तुम्हारा? दीदी तो बहुत सर मार रही है जी, क्या नाम आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का ककलासो पट्टी से, हमारा वेकेशन गांव है।
और मैं वहाँ का निवासी हूँ मूलतः। अच्छा। और यहाँ दिल्ली में रहता हूँ रोजी रोटी के चक्कर में। अदरवाइज मुझे अपना गांव से बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है और बहुत ही पसंद है गांव में। हाँ, दिल्ली तो रहना एक मजबूरी है सब दोस्त, लेकिन जो हमारे गांव की बात है वो यहाँ हर जगह कहीं भी नहीं है वो चीज। हाँ, जो खुशहाली हमारे, मैं कविताएं लिखता हूँ ऐसे कुमार वहाँ के लिए। मैंने एक गाना बनाया था कुछ समय पहले और गाया भी था, तो उसकी दो लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। तो बहुत रोमांटिक बंदे मिल गए मुझे, आप बाजी से काफी मुलाकात होगी और काफी बात भी करेंगे हम जी, तब तक हो सकता बाजी तो जरा एक कविता। हाँ, मैं दो लाइन में सुनाऊंगा। मैं ललित कोहली हूँ, तो सुनो। हम गया परदेश, हम परदेशी है गया, मेरो उत्तराखंड में रोहिंग्या बस गया, मेरो उत्तराखंड में रोहिंग्या बस गया। ये विषय एक सोचनीय विषय है, वैसे खाली गाना ही नहीं है पर सोचना चाहिए हर एक व्यक्ति को। घर का घर खाली है गई, मन के देखण धो है गो, घर बूढ़ा बूढ़ी गो खाली न रहो। हम भाई सब पलायन कर गया, मेरे उत्तराखंड में रोहिंग्या बस गया। इसलिए मैं सभी युवा पीढ़ी से भी, सभी लोगों से ये कहूँ कि अपने गांव से मोहब्बत रखें, और हो सके तो उत्तराखंड को आबाद करेगा। अब भाई एक बात बताओ, जब हम उत्तराखंड बाहर बस जाएंगे तो बाहर के लोग तो बसेंगे उत्तराखंड में। हाँ, ये तो निश्चित है। मैं दूसरा ये भी अपने गांव वालों को या अपने उत्तराखंड वासियों को ये कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर रोजगार नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन आप देखे कि उत्तराखंड के लोग सारे पलायन कर चुके हैं, लेकिन मैंने देखा जो देशी लोग हैं, अन्य जगह के लोग हैं, वो वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। ये क्या है, क्या हमें शर्म आती है कि वहाँ पे, यहाँ हम रोजी रोटी कमाने के लिए हम लेबर का काम भी कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने खेतों में काम करने के लिए हमें शर्म आती है, जो एक सोचनीय विषय है, ऐसा मेरा मानना है। गाँव जाते हो सब? मैं जाता हूँ। गाँव में कौन जी? गाँव में कौन आपके? गाँव में अभी मेरे बड़े भैया और भाभी जी हैं। हमारी माता जी का स्वर्गवास हो चुका है 2 साल पहले, लेकिन हमारा घर सब अभी सब कुछ है, लेकिन कुछ समस्या ऐसे वहाँ पर, कुछ आपदा ऐसे, जो जंगली जानवर है वहाँ पे, पहले तो खेती बाड़ी होती थी और अभी क्या है जंगली जानवर वहाँ पे, तो वहाँ पे खेती बाड़ी अभी बंजर, लगभग बंजर हो चुकी है क्योंकि लोग वहाँ पे है नहीं, तो जंगली जानवर का भी वहाँ पे आतंक ज्यादा फैला हुआ, तेंदुआ हो गया, सुअर हो गया, भालू हो गया, और ये जो चढ़िया चितल होते हैं, तो इसमें भी कुछ समस्या आ रही है, कुछ समस्या बारिश का भी है, कुछ है एक विषय है, लेकिन फिर भी मैं सभी उत्तराखंड वासियों से अनुरोध करूंगा कि अपने गाँव घर और जो अपने खेती है उसको आबाद करें। ये मेरे मैसेज है। हम साल में एक बार जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम साल में एक बार मई जून की जो छुट्टियाँ पड़ती है उसमें ही जा पाते हैं, और बाकी हमें गांव से लगाव बहुत है, बहुत ज्यादा। तो अधिकतर लोग पहाड़ी उत्तराखंडी सब यहाँ बस गए शहरों में, जब कोई प्रोग्राम होता है, कोई मेला लगता है, तो काफी लोग मिलते हैं यहाँ, है ना। हमें किसी के द्वारा पता चला, तो इसलिए हम आए, सारा काम छोड़ के आए अपने लोगों से मिलने के लिए। अपने लोग यहाँ पे मिल जाते, पिछड़े हुए लोग मिल जाते, एक दोस्त मिल जाते हैं जो पढ़ाई के समझ में जुड़े, अच्छा लगता है। ये भी जरूरी है। हाँ, ये प्रोग्राम होना भी जरूरी है ताकि एकता बने रहे। हम बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारा उत्तराखंड का कल्चर बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ हमारा उत्तराखंड का जो गढ़वाल कुमाऊं का जो कल्चर है, हमारे जो पूरा देश इंडिया में सबसे नंबर वन है, जो उसको देव भूमि कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया, वहाँ के लोग भी देव तुल्य है हमारे उत्तराखंड के, बहुत ही साफ मन के सच्चे दिल के लोग होते हैं, तो इसलिए मैं उत्तराखंड की भूमि को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं खुद को ये गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने वहाँ पे जन्म लिया है, तो यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। भाभी का प्यार है कि नहीं है? भाभी का तो प्यार बहुत है। हाँ, बहुत प्यार। कैमरे के आगे नहीं चलो? नहीं नहीं नहीं, ये रियल है। वाइफ वो होती है, अर्धांगिनी वो है, जिसने आपके दुख में भी साथ दिया, सुन के शादी सब बन जाता है। डर के नहीं बोल रहे हो? नहीं, इन्होंने हमें दुख में भी बहुत, मतलब कभी भी सपोर्ट किया, माँ का रोल, बहन का रोल, भाई का रोल सब निभा रहे हैं, आज भी निभा रहे हैं। मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं, वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है पीछे, तो पढ़ रहे, तो एक इंसान नहीं चला पाता है घर को, तो इन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट। हाँ, तो इसलिए मैं, आप प्यार करते हो?
बहुत ज्यादा खाना टाइम से खिलाते हो बिल्कुल लग रहा है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.